अक्षय रणबीर के बीच होगी होटल में बड़ी फाइट और रणबीर ने बता दिया अक्षय को कि प्राची उसकी ही वाइफ है और खुशी उसकी ही बेटी है, यह असली सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब अक्षय प्राची के साथ होटल पहुंचेगा तभी रणबीर कार से अपना सामान उतार कर अक्षय के पीछे पीछे आएगा, जहाँ पर होटल के अंदर अक्षय जब प्राची को छुएगा और प्राची को कहेगा कि प्राची यह होटल कैसा लगा, तभी यह सुनकर प्राची कहेगी अच्छा है। तभी अक्षय कहेगा कि हमारी बिजनेस मीटिंग यहीं पर होगी। ये कहकर अक्षय जब वेटर को बुलाएगा और वेटर को रूम नंबर बताते हुए अक्षय वेटर को कहेगा कि मेरी बेबी प्राची को हनीमून स्वीट वाला रूम दिखा दो, तभी यह सुनकर रणबीर को अक्षय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा, जिस वजह से तभी जब प्राची चली जाएगी तभी प्राची को पता ना चले, ऐसे रणबीर अक्षय का गुस्से से पीछे से गर्दन पकड़ लेगा और रणबीर अक्षय को घसीटते हुए अकेले में ले जाएगा और गुस्से से रणबीर अक्षय का गर्दन पकड़ के कहेगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राची को इस तरह छूने की और मेरी प्राची से इस तरह बात करने की। तभी यह सुनकर अक्षय गुस्से से कहेगा कि प्राची सिर्फ मेरी है, मैं उसके साथ जो करूँ सो करूँ क्योंकि मैं उसका पति हूँ, और अगर तुम्हें रणबीर इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो जाओ जाकर पुलिस स्टेशन में जाओ और मुझ पर पुलिस केस कर दो और वहाँ पर कहो कि मैंने मेरी वाइफ के साथ यानी प्राची के साथ ये सब किया और मुझे गिरफ्तार करवा दो। यह सुनकर रणबीर कुछ बोल नहीं पाएगा और अक्षय कहेगा कि ये सब में से अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो, किसी कपल्स के बीच में मत आओ। तभी यह सुनकर गुस्से से रणबीर खुलासा करते हुए कहेगा कि प्राची सिर्फ मेरी है, मैं प्राची का असली पति हूँ और सिर्फ मेरी है प्राची रणबीर कोहली। यह सुनकर अक्षय को काफी बड़ा शौक लगेगा और रणबीर जब अक्षय को कहेगा कि हाँ तूने सही सुना, प्राची मेरी वाइफ है और जो खुशी है वो मेरी प्राची की ही बेटी है, यह सुनकर तभी अक्षय हंसने लगेगा और अक्षय पर कोई भी असर यानी कि फर्क ना देखकर रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर जब गुस्से से रणबीर अक्षय को कहेगा कि हंस मत, प्राची को आइंदा से छूना मत, तभी यह सुनकर अक्षय हंसते हुए कहेगा कि अभी अभी जो जो तूने मुझे कहा है वो सब मुझे पहले से ही पता था, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मुझे पता था कि तू प्राची का पति ही है और खुशी तुम्हारी और प्राची की ही बेटी है। यह सुनकर रणबीर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और जब अक्षय गुस्से से रणबीर को कहेगा कि अब बस तूने बहुत बोल दिया, अब मेरी बात कान खोलकर सुन ले रणबीर, प्राची को मैं अपना बनाकर रहूंगा और तेरा प्राची का बरसों पहले तलाक हो चुका है, तो इसीलिए तू मेरी प्राची से दूर रहना क्योंकि प्राची अब तेरी नहीं बल्कि मेरी अमानत है। यह सुनकर जब रणबीर अक्षय पर हाथ उठाने के लिए जाएगा तभी अक्षय के पीछे से रणबीर के सामने से प्राची आ जाएगी और प्राची को देखकर रणबीर अपने हाथों को रोक लेगा और अक्षय हंसते हुए रणबीर को कहेगा क्या हुआ रणबीर, हाथ उठा क्या हो गया। तभी जब प्राची अक्षय के बगल में आएगी तभी अक्षय रणबीर के हाथ न उठाने की वजह प्राची को समझ जाएगा और अक्षय प्राची को दोबारा से पकड़कर रणबीर को कहेगा कि रणबीर चलो अब कल मिलते हैं, आज हम लोग बहुत थक गए हैं और तुम्हारी भी तबीयत सही नहीं है ना रणबीर, तो जाओ जाकर अभी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, मैंने तुम्हारा भी एक स्पेशल कमरा बुक करवा दिया है, जाओ जाकर उसमें आराम कर लो और रणबीर अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर देना। यह सुनकर ना चाहते हुए गुस्से से रणबीर अपने होटल के कमरे में चला जाएगा और लेकिन आप ऐसे रणबीर के साथ प्राची को फिर से एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और होटल में किसका हनीमून होना चाहिए, रणबीर प्राची का या फिर प्राची अक्षय का, और आपको अक्षय प्राची की जोड़ी कैसी लगती है कैसा हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।